अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सफर चाहे किसी भी चीज का हो, वो हमेशा याद रह जाता है। कुछ सफर अच्छी यादों के साथ याद रह जाते हैं और कुछ सफर बुरी यादों के साथ। लेकिन आज मेरा कुछ स्पेशल जर्नी होने वाला है, जो कि मुझे हमेशा बुरी यादों के साथ भी याद रहेगा और अच्छी यादों के साथ भी। तो दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त पन्नौकल रेलवे स्टेशन पर और आज मेरा सफर होने वाला है पन्नौकल से लेकर कराची के डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। और आज मैं जिस ट्रेन में सफर करूंगा वो होगी हवेलियां और कराची के दरमियान चलने वाली 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस। तो 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस का पन्नौकल रेलवे स्टेशन पर 2:06 का राइट टाइम है, लेकिन आज इत्तेफाक से ट्रेन बिफोर टाइम चल रही है। तो जितनी देर में ट्रेन आती है, हम इतने पन्नौकल रेलवे स्टेशन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, पन्नौकल रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवे के मार्कर के लिहाज से तकरीबन 510 किलोमीटर पर मौजूद है। रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म पर काफी बड़े पुराने और घने दरख्त भी मौजूद हैं और इनके नीचे बैठने के लिए बेंचेस भी लगी हुई है, जहां पर आप अपनी शाम आराम से गुजार सकते हैं। तो अगर पन्नौकल कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इस स्टेशन पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें अप साइड पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जबकि डाउन साइड पर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इसी के साथ ही अगर हम लोग इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के स्टॉपेजेस की बात करें तो लॉकडाउन से पहले इस रेलवे स्टेशन पर 5 ट्रेन रुका करती थी, जिनमें कराची हवेलियों के दरमियान चलने वाली हजारा एक्सप्रेस, कराची पिशावर के दरमियान चलने वाली अवाम एक्सप्रेस, कराची पिशावर के दरमियान चलने वाली खैबर मेल, लाहौर कोयटा के दरमियान चलने वाली अकबर एक्सप्रेस और सक्खर खानपुर के दरमियान चलने वाली रूही एक्सप्रेस शामिल हैं। लेकिन रेलवे ने रूही एक्सप्रेस और अकबर एक्सप्रेस को फिलहाल सस्पेंड किया हुआ है, तो इस लिहाज से अब सिर्फ 3 ही ट्रेन रुकती हैं पन्नौकल रेलवे स्टेशन पर। और इन ट्रेन को सस्पेंड करने की फिलहाल वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में कोचेस की बहुत ज्यादा कमी है और इन्हीं कोचेस की वजह से मेरी अब आगे थोड़ी सी ख्वारी भी होने वाली है, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे सामने से आ रही है कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 27 अप शालीमार एक्सप्रेस GU40 के साथ, और इस ट्रेन को एक पन्नौकल रेलवे स्टेशन पर PLC दी जाएगी, जिस वजह से ट्रेन यहां से थोड़ा स्लो पास करेगी और साथ ही हमारे 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस भी स्टेशन पर पहुंच रही है। तो इस सफर में मैं अपनी अम्मी के साथ था और मुझे सामान भी ट्रेन में रखना था, जिस वजह से मैं ट्रेन के प्रॉपर अराइवल की वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों, ट्रेन पन्नौकल रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और अब कराची का सफर शुरू हो चुका है और साथ साथ मेरी ख्वारी भी शुरू हो चुकी है। तो सीन कुछ ये है कि आज ट्रेन में कोच नंबर 5 नहीं लगाया गया, जिसमें मेरी और मेरी अम्मी की सीट्स बुक थीं। और सिर्फ कोच नंबर 5 ही नहीं बल्कि कोच नंबर 7 और कोच नंबर 9 भी आज इस ट्रेन में मिसिंग है, यानी कि टोटल इस ट्रेन में आज 3 कोचेस नहीं लगाए गए। तो मेरा कोच तो आज ट्रेन में नहीं लगा था, लेकिन मेरी टिकट तो कन्फर्म थी। तो यही सोचकर मैं अम्मी के साथ कोच नंबर 4 में सवार हो गया। तो मैंने फिर आगे पीछे कोचेस में देखा तो मुझे गार्ड साहब नहीं दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कि रोड़ी जंक्शन पर पहुंचकर ही उनसे मिलूंगा और फिर अपनी सीट एडजस्ट करवाऊंगा। तो पन्नौकल से लेकर रोड़ी तक तकरीबन 20 से 25 मिनट का सफर मैंने और मेरी अम्मी ने खड़े होकर ही किया।
दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 2:38 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। साथ में ये भी बताता चलूं कि रोहड़ी जंक्शन पर 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस का राइट टाइम 2:55 है, यानी कि आज ट्रेन HGM 38222 के साथ तकरीबन 17 मिनट पहले पहुंच रही है रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो जहां मुझे सीट ना मिलने का दुख था, वहीं मेरी ट्रेन बिफोर टाइम चल रही थी, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो जैसे ही रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन आया तो मैं फौरन गार्ड साहब के पास गया और फिर मैंने जाकर उनको अपना ऑनलाइन टिकट दिखाया, तो उन्होंने फिर मुझे कोच नंबर 17 में 2 आमने सामने वाली सिंगल सीट्स अलॉट कर दी। तो जब मैंने कोच नंबर 17 को जाकर देखा तो वो एक ब्रेक वैन कोच था, यानी कि सबसे आखिर वाला डब्बा था, और साथ में अफसोस की बात ये कि इसकी खिड़कियों पर ग्रिल लगी हुई थी। लेकिन खैर ये लास्ट कोच था और लास्ट कोच की एक अपनी ही बात होती है, इस कोच का ट्रैक साउंड भी बिल्कुल अलग होता है। यही सोचकर मैंने सबर किया और सबर के घूंट पीने के लिए स्लाइस जूस का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों भले ही ट्रेन रोहड़ी जंक्शन पर 17 मिनट पहले पहुंची है, लेकिन बड़े स्टेशन से ट्रेन को अपने राइट टाइम पर ही निकाला जाता है। तो इस वक्त टाइम हुआ है 3:20 जो कि इस ट्रेन का राइट टाइम है यहां से डिपार्चर का, और हमारी ट्रेन ने निकलना शुरू कर दिया है। तो चलें अब आप लोग ट्रेन के आखिरी डब्बे से ट्रेन को रोहड़ी से निकलते हुए देखें और रोहड़ी आउटर के शार्प कर्व्स को एंजॉय करें। Thank you.
तो दोस्तों चलें अब बात कर लेते हैं हजारा एक्सप्रेस के किराए और स्टॉपेजेस की। तो ये ट्रेन टोटली इकोनॉमी क्लास ट्रेन है जिसका पन्नागल से लेकर कराची तक सीट के साथ किराया है 750 रुपए और बर्थ के साथ है 850 रुपए। और पन्नागल से लेकर डिगरोड जंक्शन तक ट्रेन रास्ते में तकरीबन 11 जगह पर स्टॉप करती है, जिसमें पन्नागल से निकलने के बाद ट्रेन अपना अगला स्टॉप करती है रोड़ी जंक्शन, उसके बाद खैरपुर, फिर मेहराबपुर, भैया रोड, पड़ीदन, नवाबशाह, शहदादपुर, टंडो आदम, हैदराबाद, कोटरी, लांडी और फिर ट्रेन पहुंच जाएगी हमारे डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि हमारी आज की मंजिल है। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 3:42 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है खैरपुर रेलवे स्टेशन पर, जबकि खैरपुर पर हजारा एक्सप्रेस का राइड टाइम 3:43 का है, यानी कि हमारी ट्रेन 1 मिनट पहले पहुंच रही है। तो अपना 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद ट्रेन निकल रही है खैरपुर रेलवे स्टेशन से। तो चलें अब ट्रेन का डिपार्चर देखें। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन स्किप कर रही है रानीपुर रियासत रेलवे स्टेशन को, लेकिन अब सीन कुछ ये है कि हजारा एक्सप्रेस का रानीपुर रियासत पर 2 मिनट का स्टॉप कर दिया गया है, जो कि टेम्परेरी है। साथ ही हजारा एक्सप्रेस में रानीपुर रियासत के कोटे के लिए 6 बर्थों की अलॉटमेंट भी कर दी गई है। इस वक्त टाइम हुआ है 4:41 और हमारी ट्रेन निकल रही है मेहराबपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो इस स्टेशन को जंक्शन क्यों कहा जाता है, यहाँ से लाइन कौन से शहर में जाती है, इसके बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते तो उनके लिए बताता चलूं कि जल्द ही हम लोग इस स्टेशन पर जब रेल फैनिंग करेंगे तो फिर आप लोगों को इस स्टेशन की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।
दोस्तों इस वक्त ट्रेन पहुंच चुकी है भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। और अब 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद ट्रेन निकल रही है भिरिया रोड रेलवे स्टेशन से। तो इस वक्त टाइम हुआ है 5:03 और इस वक्त ट्रेन सिर्फ 10 मिनट डिले चल रही है। तो इस वक्त टाइम हुआ है 5:14 और हमारी ट्रेन निकल रही है पटीदन रेलवे स्टेशन से, जबकि इस ट्रेन का यहाँ से निकलने का राइट टाइम भी 5:14 ही है। तो भिरिया रोड तक जो हमारी ट्रेन तकरीबन 10 मिनट लेट हो चुकी थी, वो अब ट्रेन ने कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों ट्रेन के आखिरी डब्बे से ट्रेन के पीछे का नज़ारा कैसा दिखता है, ज़रा आप लोग थोड़ा वो एंजॉय करें।
दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 6:28 और हमारी ट्रेन इस वक्त खड़ी हुई है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। जब कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे सामने से एक GU20 के साथ ट्रेन आ रही है जो कि है कराची और सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9UP अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। तो चलें अब हम लोग उछलती कूदती अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को वेलकम करते हैं। और मैं उछलती कूदती क्यों बोल रहा हूँ ये अब आप लोग खुद देखेंगे। तो तकरीबन 6:33 पर हमारी ट्रेन नवाबशाह रेलवे स्टेशन से निकल रही है जबकि ट्रेन का यहाँ से निकलने का राइट टाइम है 6:40 यानी कि इस वक्त हमारी ट्रेन 7 मिनट पहले चल रही है अपने राइट टाइम से। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि टंडो आदम रेलवे स्टेशन पर काफी अंधेरा है और इस वक्त टाइम हुआ है 7:57
और हमारी ट्रेन निकल रही है टंडोआदम से। साथ ही ये भी बताता चलूं कि इस ट्रेन का यहाँ से राइट टाइम निकलने का है 8:12, यानी कि हमारी ट्रेन अपने राइट टाइम से तकरीबन 15 मिनट पहले चल रही है। तो दोस्तों, जहाँ मुझे अपने सफर में शुरू में सीट ना मिलने का दुख था, वहीं HGM 38222 ने तो कमाल ही कर दिया, जो कि हमारी ट्रेन को काफी अच्छी स्पीड में आगे लेकर चल रहा है। और साथ ही इस ट्रेन को बिफोर टाइम करने का लोकोमोटिव के साथ साथ ड्राइवर्स को भी पूरा पूरा क्रेडिट जाता है। लेकिन अब तक जो हमारी ट्रेन बिफोर टाइम चल रही है, आगे इसका कुछ उलट होने वाला है। तो हैदराबाद आउटर पर हमारी मुलाकात हुई कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 7UP तेजगाम एक्सप्रेस से। तो इस वक्त टाइम हुआ है 8:40 और हमारी ट्रेन इस वक्त मौजूद है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। साथ ही आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल रही है कराची और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली 149UP मेहरान एक्सप्रेस। तो चले बाप लोग ट्रेन के आखिरी डब्बे से रात के अंधेरे में दरिया सिंध के ऊपर बने हुए कोटरी बैराज का नजारा एंजॉय करें, जो कि मुझे इस अंधेरे में काफी खौफनाक भी लगा। तो दोस्तों, ट्रेन अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाली है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप होगा लांडी जंक्शन।
ग्रीनलैंड एक्सप्रेस के बाद लांडी आउटर पर हमारी मुलाकात हुई 145 अप सखर एक्सप्रेस से। तो दोस्तों ये सफर जो आपने अभी देखा, जिसमें हमारी ट्रेन हैदराबाद तक तो बिफोर टाइम आ रही थी, वहीं अब ट्रेन तकरीबन 25 से 30 मिनट लेट हो चुकी है। और इसकी वजह ये है कि कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन तकरीबन 4 से 5 मिनट रुकी। उसके बाद ट्रेन ने झम्पीर रेलवे स्टेशन पर भी काफी स्लो पास किया। उसके बाद मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की मेन लाइन पर एक फ्रेट ट्रेन खड़ी हुई थी, जिस वजह से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन को लूप लाइन से गुजारा गया। और फिर आगे चलकर भी ट्रेन धाबेजी रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 3 से 4 मिनट रुकी। और यही कुछ वजूहात थी जिस वजह से हमारी ट्रेन अच्छा खासा बिफोर आते आते भी लेट हो गई। लेकिन खैर होता है, दुनिया है, चलता है, क्या करें। सीट मिले ना मिले, डब्बा लगे ना लगे, ख्वारी हो या ना हो, ट्रेन में सफर तो करते रहना है और आप लोगों को घर बैठे ट्रेन का सफर एंजॉय करवाते रहना है। तो दोस्तों अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हमारा ये सफर खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।